हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। तो हम लोगों का खाना पीना हो गया है और दोपहर में ना चावल बचा हुआ था रात का, तो वही मैं फ्राई की थी। तो चावल और फिर रोटी वगैरह मिला जुला करके हम लोग खाना खा लिए थे। चावल बचा था तो फ्राई की, तो बच्चे खा लेते हैं फ्राई करने के बाद, तो फिर मांग मांग करके ये लोग खा लेते हैं। और उसके बाद ये बच्चों के टिफ़िन वगैरह है जो कि बर्तनों की ढेर लगी जाती है दोपहर के टाइम पे भी, तो वही सारा बर्तन मांजूंगी और किचन को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि फिर ऐसे पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से कभी कभी ही पड़ा रह जाता है, ऐसा नहीं है जब तबीयत वगैरह ख़राब हो तब तो भाई क्या कर सकते हैं। जब शरीर नहीं काम करेगा तो कभी कभी तो छोड़ना पड़ ही जाता है मजबूरी में। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह मांज करके पूरा किचन क्लीन कर लूँगी गाइस। और प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, स्किप करके मत देखिए। चैनल पे असर पड़ रहा है इसीलिए बोल रही हूँ, सारा डाउन जा रहा है इसीलिए बोल रही हूँ गाइस। प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, और जो लोग भी चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और किचन का तो ये हाल है कि थोड़ा सा भी अगर किचन में कुछ भी बनाते हैं तो सारा साफ करना पड़ता है, तो वही मैं लगी हूँ। चूल्हा वगैरह, किचन का काउंटर सारा क्लीन करूँगी। उसके बाद मिल रही हूँ सीधे इवनिंग के टाइम पे, शाम हो गया है और बच्चे ट्यूशन से आ भी गए हैं। और अभी देखिए, कभी दीपिका नीचे अपना होमवर्क बना रही है फर्श पे बैठ करके, और राधिका उधर बेड पे बैठी थी, जिसको जहाँ मन करता है वहाँ बैठ करके ये लोग लेकर के बैठ जाते हैं। और वही कपड़ा सूखा हुआ है तो वही कपड़ा मैं फोल्ड करके रखूँगी, सारे कपड़े को जगह पर पकड़ा दूँगी। और वो एक चेयर पे जो कपड़ा दिख रहा है ना, वो तो सिलाई वाला है, जैसे कि सिलाई वगैरह कभी कभी मन करता है। अभी तो फिलहाल कई दिनों से कुछ नहीं कर पा रही हूँ तबीयत खराब होने की वजह से, तो इसीलिए वो भरा पड़ा है चेयर। अधिकतर होता है ना इवनिंग के टाइम में कॉफी बनाते हुए मिलती हूँ। और इधर देखिए कढ़ाई जो है ना ये जल गया है, तो अभी मैं दिव्यांशु को भेजी हूँ दुकान में चार वाला झुंगा लाने के लिए, जिससे चिकनाई नहीं साफ होता है। बोला देखते हैं वो क्या लेकर के आता है। अब बेचारा ना रास्ते में रटते जा रहा, तोते की तरह तार वाला झुना ऐसे करके जा रहा है। तो अभी मैं फटाफट कॉफी बना लेती हूँ पी करके, उसके बाद कढ़ाई साफ करूँगी। और उससे पहले मैं जा रही हूँ दोपहर में राजमा भी बोई थी, पता है बच्चों को ना इस तरीके की चीजें पसंद आती है, राजमा या जो साबुत वाली मूंग होती है वो मैं बना देती हूँ, या फिर चने वगैरह ये सब चीजें आज ज्यादा पसंद आती है। दाल कल बनाएगी तो दाल खाने का नाम नहीं लेंगे, और सब्जी कुछ खाने का नाम नहीं रखेंगे, तो राजमा ही होगी। तो अभी इसको उबलने के लिए रख दूंगी, तब तक कढ़ाई वगैरह मांज करके कम्प्लीट करूंगी। और अभी यहाँ पे मैं तब तक चढ़ा दे रही हूँ राजमा, अच्छे से धो धा करके साफ कर ली हूँ और राजमा को चढ़ा दूंगी। राजमा उबालते समय ना थोड़ा सा मैं, मतलब कि दोपहर के बाद ही गोई थी तो अच्छे से फूला नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दूंगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और खड़ा दो खड़ा इलायची डाल रही हूँ, दालचीनी वगैरह था ही नहीं, ख़त्म है, तो वो दो खड़ा इलायची डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल करके, और बस ढक्कन बंद करके लगने दूंगी 5-6 सीटी आराम से, अच्छे से गल जाए। तब तक इधर और भी जो काम है वो मैं करते जाऊँगी। देखिए गाइस, दिव्यांशु लाया है जूना, इससे जल बल जाता है ना, कढ़ाई जल जाता है, साफ करने के तभी मैं कॉफी पीने के बाद साफ करूंगी। मैं सोची ना भूल गया, मतलब ध्यान से निकल जाएगा, बच्चा है ना, मगर ले आया, रास्ते में रटते जा रहा था तोते की तरह, जूना जूना तो लेकर के आ गया। अब इसको रख देती हूँ, और ये देखिए एक ना एक लगा ही है, मतलब लाइन लगा हुआ है, कभी ये कभी वो, होते ही जा रहा, अभी दाना निकल रहा है यहाँ पे, दाना निकल रहा है। और अभी कॉफी बन रहा है, मतलब बनने वाला है, बन गया, थोड़ा सा और रह गया। और आज का जो मेरा कॉफ़ी पीने का प्रोग्राम था पूरी तरीके से चौपट हो गया है, क्योंकि मैं दूध उबाल दी और देखी तो कॉफ़ी का पाउडर नहीं था, तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाई। और काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैं इवनिंग के टाइम में चाय पी हूँ, कॉफ़ी का पाउडर नहीं था, इसी वजह से चाय पीना पड़ा मुझे, कोई बात नहीं।
तो गैस चाय पीने के बाद में सबसे पहले कढ़ाई मांजी। मेरा आदत इतना बेकार है कि कढ़ाई में ना थोड़ा सा जला उला कुछ भी लगा रहता है तो मुझसे देखा नहीं है, तो वही सबसे पहले ना मैं कढ़ाई मांजी, कढ़ाई क्लीन करके चाय पीने के बाद। और अब लग गई हूँ, तेल ख़त्म था तो तेल लाई थी, तो वही तेल का डब्बा में से निकाल करके रख रही हूँ अलग। और राजमे के लिए मसाला तैयार करूँगी, रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, अधिकतर बार तो राजमा राजमा बन ही जाता है, तो वही मसाला फ्राई करूँगी राजमे का और बस राजमा बना दूँगी। और उसके बाद इसी कुकर में चढ़ा दूँगी चावल, तो इसी तरीके से खाना भी बन जाएगा, डिनर का काम हो जाएगा। और ये देखिए गाइस, यहाँ राजमा बन चुका है, चावल भी मेरा बन गया है, तो मैं अभी आपको दिखा रही थोड़ा सा। पता है हर बार दीपिका बोलती थी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है मम्मी, ज़्यादा करती, इस बार ना थोड़ा सा मैं पतला करके बनाई हूँ, नहीं तो गाढ़ा करके बनाती थी मैं, मतलब थोड़ा गाढ़ा रखती थी, तो इस बार थोड़ा सा पानी ज़्यादा करके डाली हूँ ताकि हल्का सा पतला हो जाए। और राजमा बन चुका है, चावल भी इधर बन गया है, और इधर लग गया है हम लोगों का खाना। खाना खाएंगे उसके बाद करेंगे किचन क्लीन। आइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। गाइस तो देखिए हमारा खाना पीना हो गया, हम लोग खा लिए और किचन भी पूरा क्लीन हो गया। ये देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया, कटोरी मेरी फाइल तेल है, कढ़ाई का बचा हुआ तो उसको डब्बे में रख लूंगी, डब्बा पूरा किचन क्लीन हो गया। और नीचे भी किचन में पोछा लगा दी हूँ, सारा काम खत्म। और अब मैं जा रही हूँ दवाई खाऊंगी, दीपिका अपना दवाई खा ली है, आज फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास मैं और दीपिका भी खाने, तो दीपिका को तो बुखार नहीं था, मुझे है, तो मैं अपना भी दवाई ले, दीपिका को भी और दवाई दिलवा दी कैसे से ठीक हो जाए, और मैं भी अपना दवाई खाऊंगी और रेस्ट करूंगी। तो गाइस भी मिलेंगे एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कर दीजिए नहीं किए हैं तो, और पूरा वीडियो नहीं देखें तो फिर से चला करके देख लीजिए गाइस, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।